ओम शांति। आप सबको स्वागत है। और आज दीपावली के पर्व पर आप अपने घर को साफ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने मन को भी इतना साफ कर लिया है कि आपके घर में लक्ष्मी आए? आपका मन भी एक घर है जहां पर आपके पास में आ सकती है ज्ञान की लक्ष्मी। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारा जीवन जगमग हो। हम दिए जलाते हैं दीपावली पर, ये खुशी मनाते हैं कि अब रावण चला गया, अब अंधकार चला गया, अब दिए जग गए। लेकिन हमने दशहरा तो मना लिया, क्या हमारे अंदर का रावण हमारे अंदर अभी भी है? अभी अंदर का रावण कहें या अंदर का शैतान कहें या अंदर का अंधकार कहें, आप कोई भी नाम दे दें इसको, लेकिन ये रावण हर किसी के अंदर है। तो क्या आप जानते हैं, इस रावण को पहचानते हैं? क्या इस रावण से आप हर दिन लड़ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन आप गुस्सा कर लेते हैं, आप लड़ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप शांत रहें और आप पवित्रता से और आप खुशी से हर कार्य करें, लेकिन आप दुखी हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कभी कभी मायूस हो जाते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरी बात नहीं बनी, मेरी सेहत खराब हो गई या मेरे धन में कुछ प्रॉब्लम आ गई? ये सारी चीजें अंधकार हैं, लेकिन हम ब्लेम करते हैं औरों को। तो आज परमात्मा हमें सिखाते हैं कि दीपावली का मतलब है कि हर किसी के अंदर के अंधकार हटाना और अंदर ही अंदर हमें ऐसे गुण, ऐसे ज्ञान, ऐसी शक्तियों को जागृत करना जो कि हमारे दिए को कभी बुझने ना दे, चाहे जीवन में कितने भी तूफान आ जाएं। जैसे कि एक दिया आप आज जलाते हैं तो एक तूफान आता है, हल्का सा झोंका आता है, तो उस दिए को बुझाने की कोशिश करता है, आप भागते जाते हैं और उस दिए को बचाने की कोशिश करते हैं कि वो बुझ ना जाए। वो दिया कितना जरूरी है। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। कभी धन का तूफान आता है, कभी हमारे पास में तन की सेहत का तूफान आता है, कभी हमारे रिश्तों में तूफान आता है, और कभी कभी हमारे पास मन का और भावनाओं का तूफान आता है। क्या आप जानते हैं इस तूफान को आप कैसे झेलें और कैसे अपने मन के मूड के दिए को सदा जागृत रखें? अगर आप चाहते हैं ये चीजें आपको पता चलें, तो आप हमारे सैटरडे के सेशन 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो इवनिंग का सेशन होता है उसको आप जरूर अटेंड करें, या तो आप अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो कि आपके घर के आसपास कहीं है जरूर, वहां जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर यही सच्ची दीपावली और सच्चा दिया कैसे चलता रहे वो सिखाया जाता है। चाहे कोई भी तूफान आ जाए आपके जीवन में, चाहे कोई अंधकार आ जाए आपके जीवन में, लेकिन उसमें आप कैसे बरकरार रहें और आपका दिया खुशियों का ना बुझे उसमें। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है आज दीपावली के इस पर्व पर। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। अब जो हमारे सैटरडे के सेशंस होते हैं वो सारे यही दीपक जलाने के सेशंस होते हैं। आप सब आते हैं, आपको थोड़ा सा घी मिलता है। जी हाँ, घी मतलब का आपको ज्ञान रूपी घी मिलता है, खजाने मिलते हैं, और आपका दीपक तो है ही तैयार, आपका शरीर आपका दीपक, और उसमें ज्योति जगती है जब हम आपको ऐसे मीठे मीठे और ताकतवर ज्ञान के डोजेस देते हैं, वो चिंगारियां देते हैं जिसके द्वारा आपके मन के अंदर बुझी हुई आग जग जाती है, आपके अंदर होप आ जाती है, आपके डिप्रेशन कम हो जाता है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स खत्म होती हैं, आप जहाँ उलझे हुए होते हैं उस उलझे हुए पन को भी हम हटा देते हैं इन सेशंस के द्वारा। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप भी एक दीपक बने, इसलिए आज आप ये वरदान सुन रहे हैं। आप भी एक दीपक बने और जाकर के जिस जिस घर में आप जाएं आज, वहां पर आप आध्यात्मिक लहर, आध्यात्मिक ज्योत जगाएं, औरों को भी आप जगाएं, औरों को भी आप बताएं कि हाँ पॉसिबल है कि जब तूफान आते हैं लाइफ में तो हम तब भी जगे हुए रहें, कभी हम मूड ऑफ ना हो जाएं। जैसे वो दीपक ऑफ हो जाता है तो हमारा भी मूड कहीं ऑफ ना हो जाए, हम भी बरकरार रहें। तो परमात्मा कहते क्या है विस्तार में देखें, आप आत्मा सच्चे दीपक, आप आत्मा रूपी जो सच्चे दीपक की लगन एक दीपराज बाप, परमात्मा पिता कहें, बाप कहें, बाबा कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, सुप्रीम लाइट कहें, विश्व का प्रकाश कहें आप, अब तो साइंस वाले मेटाफिजिकल एनर्जी कहते हैं उनको, क्वांटम फील्ड कहते हैं, बहुत सारे नाम दे दिए उनको, पार्टिकल भी कहना शुरू कर दिया है। तो आप जिस नाम से, जिस भावना से उनको पुकारे, उनको दीपराज कहते हैं। आज के दीपक जो है हम आत्माएं, हमारे दीपक के राजा हैं वो, के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जितना जितना आप परमात्मा के ध्यान में, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग के ध्यान में उनके याद में बैठते हैं, उतना आपके मन रूपी दीपक, आपका आत्मा की ज्योत जो है वो जगनी शुरू होती है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों के लगन की अग्नि है। अभी कौन सी अग्नि है,
हमारी लगन की हम औरों को भी ये सत्य पहचान दें, उस दीपराज से जुड़वाएं। आपको भी हम चाहते हैं कि आप भी उस दीपराज से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको ये अनंत ज्ञान मिल सकता है, अनंत आपके मूड ऑफ होने बंद हो जाएंगे, आप स्थिर बुद्धि बन जाएंगे और आपके पास में वो शक्ति आ जाएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, सहन करने की शक्ति आ जाएगी आपके पास में, और परखने की शक्ति होगी कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में, क्या करूं। जब सारी दुनिया उलझी होगी तब आपके पास में वो चिंगारी होगी, वो आपके पास में लौह होगी, आपके पास में वो एक प्रकाश की किरण होगी, जिसको देख करके और लोग भी आपके पास आएंगे और अपने बुझे हुए दीपकों को जगाएंगे, जिससे अज्ञानता की अंधकार, अज्ञानता जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, आप भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, परमात्मा हम आत्माओं को चैतन्य दीपक कह रहे हैं। हमारे अंदर मन के अंदर जब उमंग उत्साह होता है तो हमारा दीपक जला हुआ होता है, जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हमारा मन का दीपक बुझा हुआ होता है। कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो, बाप हो गए पिता और दादा हो गए एडम या ब्रह्मा या फर्स्ट बच्चा परमात्मा का। आपके एक रस अटल अटोल जगे हुए दीपक से, अब अगर दीपक में कोई तूफान आए लेकिन फिर भी वो बुझे ना, तो उसको कहा जाएगा अटल अटोल जगा हुआ दीपक। चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, धन की आ जाए, तन की आ जाए, मन की आ जाए, और चाहे आपके संबंधों की आज परेशानी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन आप दीपक अटल अटोल कभी ना बुझने वाले दीपक हैं। से सब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। अगर आप किसी भी परिस्थिति में ऊपर नीचे नहीं होते हैं तो आपको देखने वाले आपके पास आकर के अपने दीपक भी जगाएंगे। आप कैसे रहे ऐसे शांत, उसने इतना कुछ आपको बोल दिया लेकिन फिर भी आपने आंसर नहीं दिया, उसने आपको इतना नुकसान कर दिया लेकिन फिर भी आपका मूड ऑफ नहीं हुआ, आप कैसे रहते हैं ऐसे, आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें सैटरडे का सेशन 5 से 6:30 बजे का, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है, आप ही दीपकों को और ज्योति देने का। देखिए, दे तो हम नहीं सकते, देने वाला परमात्मा है, लेकिन उनसे हम अपने आप को जगा करके, आपको भी उनसे जोड़ करके, आप दीपराज से जुड़ जाएं और आपके दीपक भी जुड़े रहें और चलते रहें और आपकी जीवन में आगे चलते रहें, यही हमारी शुभकामना है। तो आप अगर सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, नहीं तो अगर आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो कि आपके घर के पास जरूर होगा, वहां पर जाकर के आप अपने दीपक को जुड़ाएं। शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दीपावली की। ओम शांति।